हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स के फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पर ए बी और सी कॉन्स्टेंट्स होंगे, पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव में हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं, डेसिबल में हो सकते हैं, और x आपका वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर एंड x एज इट इज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 2x² माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू जीरो या प्लस 15 इक्वल टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, b या c जीरो हो सकता है, मतलब कि अगर किसी इक्वेशन में x की टर्म नहीं है या फिर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है या फिर दोनों नहीं है, बस एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, ये जीरो हो गया, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन ही यही है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, तो 2 पावर होनी कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा जाए 4x² माइनस 5x इक्वल टू जीरो, इसमें एक्स स्क्वायर बी एक्स सी नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर लिखा जाए 7x² माइनस 5 इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो इसमें x की टर्म नहीं है। अगर लिखा जाए सिर्फ 9x² इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर लिखा जाए 9x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, अगर कहीं पर x स्क्वायर की ही टर्म नहीं है, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अभी ये लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस आपको गिवन है, इनको हम सॉल्व करेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, फिर चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सिंपल है, अगर उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है तो फिर वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं। और क्यूब भी नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो 2 से बड़ी पावर हो, अगर क्यूब हो गया, अगर इक्वेशन ये है प्लस 7x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, तो इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है, लेकिन इससे ग्रेटर भी एक टर्म है, पावर 3 भी है, तो अभी ये क्यूबिक इक्वेशन है। इक्वेशन डिसाइड होती है हाईएस्ट पावर से, अगर हाईएस्ट पावर 1 है, 7x प्लस 9 इक्वल टू जीरो, ये है लीनियर इक्वेशन। अगर 2 है, 9x² प्लस 4x प्लस 7/2 इक्वल टू जीरो, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पावर 3 है मैक्सिमम, तो है क्यूबिक इक्वेशन। ओके, तो चलिए अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे LHS में, RHS में मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को LHS में लेकर जाएंगे, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट पार्ट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2। एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज 2x इक्वल टू 2x माइनस 2। LHS में भी 2x है, RHS में भी 2x है, आप चाहे तो इनको यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको LHS में लेकर आएंगे, माइनस 2x होगा तब कैंसिल होगा। चलिए अभी बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 को भी LHS में लेकर आएंगे, प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इज प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन कम्प्लीटली सॉल्व है, इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, एक एक्स की एक कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, लेकिन हमने कहा था एक्स की टर्म ना हो तो भी चलेगा, कॉन्स्टेंट टर्म ना हो तो भी चलेगा, स्क्वायर की टर्म होनी कंपलसरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए, तो इसमें स्क्वायर की टर्म है, हम कहेंगे यस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ओके, नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सेकेंड पार्ट इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। LHS में कुछ सॉल्व नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, यहाँ पर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू 3 इज माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 2x। LHS में लेकर आएंगे सभी टर्म्स को, यहाँ पर 2x को कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि ये माइनस 2x है, ये प्लस 2x है,
LHS RHS में टर्म्स तब कैंसिल होती है जब बिल्कुल सेम टर्म्स हों। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एज इट इज़ है, LHS में आएगा 6 हो जाएगा प्लस और 2x हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू जीरो। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स हो जाएगा माइनस 4x एंड प्लस 6 एज इट इज़ इक्वल टू जीरो। ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, a यानी कि 1x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। सो यस, इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट थर्ड, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन को सॉल्व करके कंप्लीट कैसे हम फाइंड आउट कौन सी इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक होती है और कौन सी नहीं। तो मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन को, इसमें x प्लस से x प्लस बी का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, या फिर सिंपल पहले x से फिर माइनस टू से। x से किया x प्लस वन को, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन इज वन एक्स यानी कि x, माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू वन माइनस टू। आर एच एस में x से करेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू थ्री थ्री एक्स, माइनस वन से माइनस एक्स और माइनस थ्री। ओके, एल एच एस में दो लाइक टर्म्स हैं x और माइनस टू एक्स, यहाँ पर भी दो लाइक टर्म्स हैं। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज, x माइनस टू एक्स इज माइनस एक्स, माइनस वन एक्स, माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स माइनस एक्स इज टू एक्स माइनस थ्री। सॉल्व हो गई, एल एच एस में भी एक्स स्क्वायर है, आर एच एस में भी एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहीं पर कैंसिल कर दीजिए, या फिर इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तब कैंसिल हो जाएंगे। अब ले आते हैं एल एच एस में, माइनस एक्स माइनस टू पहले से ही है, ये आएगा तो माइनस के टू एक्स होगा, थ्री आएगा तो प्लस थ्री होगा इक्वल टू जीरो। माइनस एक्स माइनस टू एक्स इज माइनस थ्री एक्स, माइनस टू प्लस थ्री इज प्लस वन। ये इक्वेशन है, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्क्वायर होना कंपलसरी है। यहाँ पर जो वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम पावर वन है, तो यानी कि लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन में आपको बताना था कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, सो नो, इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, सेम वैसा ही है, x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन देन इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस फाइव। x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस वन को, x इंटू टू एक्स इज टू एक्स स्क्वायर, देन x इंटू वन इज वन एक्स यानी कि x, फिर माइनस थ्री से माइनस थ्री इंटू टू इज माइनस सिक्स एक्स, माइनस थ्री इंटू वन, थ्री वन से थ्री माइनस थ्री, और आर एच एस में एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। इसको पहले सॉल्व करते हैं, x माइनस सिक्स एक्स, टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, x माइनस सिक्स एक्स होगा माइनस फाइव एक्स, माइनस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। एल एच एस आर एच एस में तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, सभी को एल एच एस में लेकर आते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री पहले से है, एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फाइव एक्स आएगा तो माइनस फाइव एक्स होगा और इक्वल टू जीरो। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर यानी कि सिंपल एक्स स्क्वायर, माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स ये होगा माइनस टेन एक्स, एंड माइनस थ्री एज इट इज इक्वल टू जीरो। ये देखिए एक्स स्क्वायर की टर्म है इसमें, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। सो यस, इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन। वैसा ही क्वेश्चन है, पहले टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स इंटू एक्स इज टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स इंटू थ्री, टू थ्री जार सिक्स माइनस सिक्स एक्स, माइनस वन से करेंगे माइनस एक्स होगा, ये माइनस माइनस प्लस थ्री होगा, इक्वल टू एक्स से किया एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, फिर फाइव से किया फाइव एक्स एंड फाइव वन सिक्स फाइव माइनस फाइव। एल एच एस में सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स और माइनस एक्स लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगे, टू एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स, ये होगा प्लस फोर एक्स माइनस फाइव।
LHS में लेकर आते हैं सबको, ये पहले से ही है, ये इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एंड इक्वल टू ज़ीरो। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये होगा वन एक्स स्क्वायर, सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फोर एक्स सेवन एंड फोर इलेवन सो माइनस इलेवन एक्स एंड थ्री प्लस फाइव एट इक्वल टू ज़ीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि एक्स स्क्वायर है इस टर्म में, एक्स की मैक्सिमम पावर टू है, सो यस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। एल एच एस एज इट इज रहेगा, आर एच एस में ए माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, सो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन एज इट इज। एक्स स्क्वायर टू का स्क्वायर टू टू ज़ार फोर माइनस टू टू ज़ार फोर इंटू एक्स फोर एक्स फोर एक्स एक्स स्क्वायर कैंसिल। एल एच एस में लेकर आते हैं फोर एक्स और फोर को, सो थ्री एक्स प्लस वन एज इट इज माइनस फोर एंड प्लस फोर एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अभी लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, थ्री एक्स प्लस फोर एक्स सेवन एक्स वन माइनस फोर माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। ये फाइनल आंसर है, इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है, सो इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट नेक्स्ट इज एक्स प्लस टू होल क्यूब इक्वल टू टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे एलएचएस में, ए प्लस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ओके सो ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब टू क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बी टू प्लस थ्री ए बी स्क्वायर टू स्क्वायर। ए क्यूब बी क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी एंड थ्री ए बी स्क्वायर टू स्क्वायर। आर एच एस में सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स से, टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज टू एक्स क्यूब, पावर टू एंड वन मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड होती हैं, टू एक्स इंटू वन इज टू एक्स माइनस टू एक्स। एल एच एस में होगा एक्स क्यूब टू क्यूब टू टू ज़ार फोर टू ज़ार एट प्लस थ्री टू ज़ार सिक्स सिक्स एक्स स्क्वायर टू टू ज़ार फोर फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व एक्स इक्वल टू ट्वेल्व एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। एल एच एस में लेकर आते हैं दोनों टर्म्स को, सो एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स एज इट इज, ये टू एक्स क्यूब था माइनस टू एक्स क्यूब एंड प्लस टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब ये होगा माइनस वन एक्स क्यूब यानी कि माइनस एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर के टर्म लिखेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर एक ही है सिक्स एक्स स्क्वायर, एक्स के टर्म लिखेंगे उसके बाद ट्वेल्व एक्स प्लस टू एक्स फोर्टीन एक्स और लास्ट में कॉन्स्टेंट एट प्लस एट इक्वल टू ज़ीरो। ये फाइनल आंसर है, इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर है थ्री, पावर थ्री है मतलब कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, भले इसमें एक्स स्क्वायर के टर्म हो लेकिन नाम हमेशा जो इक्वेशन का है वो होता है मैक्सिमम पावर से वेरिएबल की, तो यहाँ पर क्योंकि थ्री है इक्वेशन क्यूबिक है क्वाड्रेटिक नहीं है, सो नो इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और आरएचएस में है एक्स माइनस टू होल क्यूब। आरएचएस में ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। एल एच एस एज इट इज, आर एच एस में एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब टू क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ओके एल एच एस अगेन एज इट इज माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू, आर एच एस में एक्स क्यूब
टू का क्यूब 2 2 4 2 8 माइनस 3 2 6 6x2 2 2 4 4 3 12 12x। अभी एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा LHS RHS में और कोई टर्म नहीं है इक्वल। अभी सबको लेकर आते हैं LHS में, यहाँ पर माइनस ये x2 है, माइनस 4x2 माइनस x प्लस 1 पहले से ही है, और आएगा 8 प्लस 8 आएगा प्लस 6x2 एंड माइनस 12x इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म्स, माइनस 4x प्लस 6x माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2 2x2 एक्स की टर्म माइनस x माइनस 12x माइनस 13x एंड 8 प्लस 1 इज 9। ये फाइनल आंसर है। x की मैक्सिमम पावर क्योंकि 2 है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अभी आगे है सेकंड क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ प्रॉब्लम सम्स गिवन है, उनको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, बस फॉर्म में रखना है, सॉल्व नहीं करना। मतलब इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी, फाइनली वही आपका आंसर होगा। फर्दर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व नहीं करना है, इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है फर्स्ट एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका पूरा एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, प्लॉट की जो लेंथ है इज वन मोर दैन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वो ब्रेथ के ट्वाइस से, दोगुने से भी एक ज़्यादा है। ट्वाइस अगर मान लीजिए 10 है तो ये कितनी होगी लेंथ, इसका ट्वाइस यानी कि 20 प्लस 1 21, ओके डबल से एक ज़्यादा। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अगर आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है तो फिर उसके लिए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ब्रेथ एक्स है, क्योंकि लेंथ की जो कंडीशन है वो ब्रेथ पर बेस्ड है। कहा गया है कि लेंथ ब्रेथ के डबल से एक ज़्यादा है, तो सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी एक्स अ मीटर। मान लीजिए ब्रेथ एक्स मीटर है तो लेंथ कितनी होगी। ये एक्सरसाइज थर्ड की तरह नहीं है, चैप्टर थ्री की तरह नहीं है, यहाँ पर आप दो वेरिएबल्स नहीं अज्यूम कर सकते कि लेंथ एक्स है ब्रेथ वाई है, अदरवाइज तो वो लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन टू वेरिएबल्स। हमें वेरिएबल को एक ही रखना है। अगर आपने एक्स अज्यूम किया तो दूसरा जो भी आपकी डायमेंशन है, जैसे इसमें लेंथ और ब्रेथ है, उसको एक्स के टर्म्स में ही फाइंड करिए। तो अगर लेंथ एक्स है, सॉरी ब्रेथ एक्स है, तो लेंथ के बारे में उसने कहा था लेंथ है डबल से एक ज़्यादा, तो लेंथ कितनी होगी डबल यानी कि 2x और उससे भी एक ज़्यादा प्लस 1। सो लेंथ इज वन मोर दैन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्लियर, आपको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, एरिया उसने दिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया हमारे अकॉर्डिंग क्या होता, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि x इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, x इंटू 2x प्लस 1, ये है एरिया विच इज इक्वल्स टू, एरिया कितना गिवन है क्वेश्चन में 528 मीटर स्क्वायर। सो इसको इक्वेट कर देंगे 528 से। अभी सिंपल सॉल्व करना है, x इंटू 2x, x इंटू 1x, 528 को LHS में लेकर आएंगे, माइनस 528 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके नेक्स्ट, सेकंड पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। सो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे कि एक 7 है 8 है, ये दोनों कंसेक्यूटिव है, 100 है 101 है, या फिर 999 और 1000 है। लगातार मतलब कि दूसरा उसमें प्लस 1 करके आ जाता है। सो दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट है 306। आपको इंटीजर्स फाइंड करने हैं, मतलब करने नहीं हैं, उसके लिए सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है। सो सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, लेट वन ऑफ द नंबर्स बी एक्स। मान लीजिए एक नंबर एक्स है
देन द अदर नंबर, या फिर आप लिख सकते हैं लेट द नंबर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस वन. लेट द नंबर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस वन. एक अगर x लिया, दूसरा x प्लस वन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उसका नेक्स्ट नंबर आपको लेना है. अगर एक 7 है तो नेक्स्ट 8 कैसे होगा, 7 प्लस वन करके. अगर एक x है, नेक्स्ट होगा x प्लस वन. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर हमें पता है. क्वेश्चन ने कहा था दोनों की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि अगर मल्टीप्लाई करें. सो हमारे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है x इंटू एक्स प्लस वन, जो किसके इक्वल गिवन है 306 के. सो दिस इज इक्वल टू 306. एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वन इज एक्स. 306 को LHS में लेकर आएंगे, माइनस इक्वल टू जीरो. ठीक, ये आपका आंसर है. नेक्स्ट नेक्स्ट इज रोहन्स मदर्स. रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम. रोहन की मदर उससे 26 साल बड़ी है रोहन से. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360. सो आज से 3 साल के बाद उनकी एज की प्रोडक्ट 360 हो जाएगी. We would like to find Rohan's present age. Rohan की present age हमें find करनी है, मतलब करनी नहीं है आपको, सिर्फ उसके लिए equation form करनी है again. Okay. So मान लीजिए Rohan की present age, let Rohan's present age be x years. मान लीजिए Rohan presently x साल का है, so उसकी mother की present age कितनी होगी. Mother's present age equal to, मदर के बारे में कहा था वो रोहन से 26 साल बड़ी है, तो अगर रोहन 10 का होगा, मदर कितने की होगी 36 की, जो रोहन की एज है आप उसमें 26 ऐड कर देंगे. तो यहाँ पर रोहन x ईयर्स का है, मदर हो जाएंगी x प्लस 26 ईयर्स की. ओके, मदर और रोहन दोनों की प्रेजेंट एज मिल गई. आगे क्वेश्चन ने कहा था कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद उनकी एज की प्रोडक्ट इतनी हो जाएगी, कितना 360. सो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे आज से 3 साल के बाद उन दोनों की एज कितनी होगी. एज वाले क्वेश्चन में जिस भी टाइम पीरियड पर कंडीशन अप्लाइड होती है, पहले हम उस टाइम पीरियड की एज फाइंड करते हैं. 3 साल के बाद की एज पर कंडीशन दी है कि उनकी प्रोडक्ट 360 है, तो पहले 3 साल के बाद की एज फाइंड करिए. सो आप लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद रोहन्स एज, रोहन की एज कितनी होगी. अभी वो एक्स ईयर्स का है, 3 साल के बाद 3 साल एज बढ़ जाएगी, x प्लस 3 ईयर्स होगी. और मदर की कितनी होगी, मदर एज देखो अभी x प्लस 26 की है मदर, 3 साल के बाद और 3 बढ़ जाएंगी, x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि x प्लस 26 प्लस 3 29, x प्लस 29 ईयर्स. ये 3 साल के बाद रोहन की एज है, ये 3 साल के बाद मदर की एज है. अब इनकी प्रोडक्ट है 360, 3 साल के बाद की एजेस की प्रोडक्ट 360 है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 3 रोहन की एज 3 साल बाद वाली, मदर की एज 3 साल बाद वाली, दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 360. बस अब इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29 9 3 जार 27 6 7 8 87 इक्वल टू 360. 360 को LHS में पहले सॉल्व करते हैं, LHS को दोनों लाइक टर्म्स हैं. एक्स स्क्वायर एज इट इज 29 प्लस 3 29 30 31 32 एक्स प्लस 87 इक्वल टू 360. अभी 360 LHS में आएगा, माइनस 360 इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 माइनस 7 3 5 बचा, 15 माइनस 8 इज 257 एंड 273 इक्वल टू 0. ये आंसर है, ये इक्वेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. एक ट्रेन है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको ट्रैवल करनी है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रही है. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आर लेस, अगर उस ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आर कम होती, मतलब एक घंटे में वो 8 किलोमीटर कम चलती, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. तो इतनी डिस्टेंस को, 480 की डिस्टेंस को कवर करने में अभी उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आर कम होती. ओके,
वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, उसके लिए इक्वेशन फॉर्म करनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस वाले और एज वाले। तो चलिए मान लीजिए ट्रेन की स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर थी, लेट ट्रेन्स स्पीड या फिर स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अभी टाइम कितना लेती है ट्रेन, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस फिक्स्ड है, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, मतलब रिलेशन क्या है डिस्टेंस टाइम और स्पीड के बीच में, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम, बाकी के दोनों आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। स्पीड अगर आपको फाइंड करनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम अगर फाइंड करना है सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, चलिए आपको यहाँ पर टाइम फाइंड करना है क्योंकि हमने स्पीड मान ली है, डिस्टेंस आपको पता है। सो टाइम कितना लेगी ट्रेन, नॉर्मली टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इक्वल होता है टाइम। सो 480 बाय एक्स आवर्स, इतने घंटे वो नॉर्मली लेती है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में। नाउ क्वेश्चन ने कहा है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, मतलब अभी एक्स है, एक्स माइनस 8 होती, मान लीजिए ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और वो 8 किलोमीटर पर आवर कम अगर उसकी स्पीड होती तो 50 माइनस 8 हम कहते हैं 42 है। ओके, तो जो स्पीड है उसमें से आपको 8 माइनस करना है। सो अभी आप कहेंगे नाउ न्यू स्पीड जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 8 किलोमीटर पर आर कम है, तो नई स्पीड अगर एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आर होती तो बताइए न्यू टाइम कितना होता, डिस्टेंस तो उतनी ही है, अभी भी उसको 480 किलोमीटर सी जाना है। सो न्यू टाइम होता, डिस्टेंस उतनी ही 480 और नई स्पीड एक्स माइनस 8 आर्स। ये क्लियर है, जब आपकी स्पीड एक्स थी तो टाइम 480 डिवाइडेड बाई एक्स था, जब स्पीड एक्स माइनस 8 है तो टाइम 480 बाई एक्स माइनस 8 है। ओके, क्वेश्चन ने कहा था कि अगर स्पीड इतनी कम होती तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते, मतलब कि ये जो टाइम है ये इससे इस टाइम से 3 आवर्स ज़्यादा है, पहले वाला टाइम से नया टाइम 3 आवर्स ज़्यादा है ये, तो यानी कि इससे अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें आंसर 3 आएगा। फिर से ये जो टाइम है स्पीड 8 घंटे कम होने के बाद वो पुराने टाइम से 3 आवर्स ज़्यादा है, तो मान लीजिए पहला टाइम अगर 12 आवर्स था, अभी वाला टाइम 15 है, 3 घंटे ज़्यादा है। इक्वेशन हम क्या बनाएंगे, हम कहेंगे न्यू टाइम माइनस ओल्ड टाइम इक्वल टू 3, क्योंकि ये 3 ज़्यादा है, इसमें से पुराना माइनस करने से 3 आपको मिलेगा, 15 माइनस 12 इक्वल टू 3। सो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुराना टाइम 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस सॉरी नया टाइम 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस पुराना टाइम 480 बाई एक्स इक्वल टू 3, ये आपकी इक्वेशन है। इसको अभी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, बट ये समझ में आ गया होगा आपको, आगे भी कई क्वेश्चन हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में भी स्पीड और डिस्टेंस को लेकर। स्पीड एक्स थी, डिस्टेंस वही है, तो टाइम लगा 480 बाई एक्स, क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर स्पीड 8 कम होती तो एक्स माइनस 8 होती, तब टाइम कितना लगता, वही डिस्टेंस जो कि 480 ही है बाय नई स्पीड एक्स माइनस 8। अब उसने कहा था कि एक्स माइनस 8 होने से टाइम 3 आवर्स ज़्यादा लगता है, तो ये इससे 3 आवर्स ज़्यादा है। चलिए अभी तो बस इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे ये इंटू ये डिनोमिनेटर में, एक्स माइनस 8 इंटू एक्स, ये एलसीएम है, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा 4, क्योंकि जब भी एलसीएम जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट होती है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाता है। सो 480 इंटू एक्स ऊपर जाएगा माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 और ये इक्वल है 3 के, 480 इंटू एक्स 480x माइनस 480x एंड माइनस माइनस प्लस 800 88 64 6 कैरी हुआ 8 4 32 प्लस 38 और डिनोमिनेटर में है x, x से मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है सेम नंबर्स, ऊपर बचेगा 3840 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3, इसको इधर ले जाते हैं 3 से मल्टीप्लाई होगा 3840 इक्वल टू 3 484
कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अभी एक काम करते हैं, वैसे तो जनरली ये होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर इसको सब्ट्रैक्शन में लेकर जाएंगे, लेकिन बेटर ये रहेगा 3 को डिनोमिनेटर में ले आइए, क्योंकि 3840 3 से कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा। 8 प्लस 4 12, 13 14 15, अगर सम 3 से डिवाइडेड है, डिविजिबल है, तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि आप 3x स्क्वायर 24x और 3840 रखें, इससे बेटर है एक्स स्क्वायर 8x, और यहाँ पर भी नंबर थोड़ा छोटा ही होगा डिवीजन के बाद। तो एक काम करते हैं, 3 को डिनोमिनेटर में ले आते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है उधर, या फिर आप ये करिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए एक साथ ही। चलिए 3840 बाय 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसमें अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो चाहे कितने भी बड़े नंबर्स हों उसमें ये 3x स्क्वायर 24x 3840 हो जाए। लेकिन आगे जो एक्सरसाइजेज आएंगी जहाँ पर आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, वहाँ पर फिर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मिड टर्म स्प्लिटिंग में अगर नंबर जितने छोटे होंगे उतनी आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं कि मिड टर्म को कैसे स्प्लिट किया जाए। ओके, 3 1 6 3 2 6 8 24 0 1 2 8 0, इसको RHS में लेकर जाएंगे। पूरे को LHS में लेकर आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर आने से एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में ना हो ये कोशिश हम करते हैं। माइनस 1 2 8 0 इक्वल टू ज़ीरो, तो एडजस्ट कर देते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं एंड इक्वल टू ज़ीरो। दोनों ही LHS RHS अगर आपने चेंज कर दिए हैं तो फिर साइन चेंज नहीं होता, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज ओवर होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।